कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश अब आपके सागर शहर के बीचों बीच, वह भी सर्व सुविधा युक्त आवास फ्लैट एवं प्लॉट बुकिंग के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया पुरुषोत्तम चौरसिया। खबर मध्य प्रदेश के दमोह जिले के नोटा थाना क्षेत्र के शीशपुर पट्टी गांव से जुड़ी है, जहां के रहने वाले बारीलाल आदिवासी सन 2017 में अपने घर से भाग गए थे। मिली जानकारी के अनुसार बारीलाल आदिवासी मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। बारीलाल के बड़े भाई ने बताया कि गरीबी परिस्थिति में घर से बाहर दिल्ली काम करने के लिए बारीलाल गया था, जहां से वापस आने के बाद बारीलाल मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया, जिसका इलाज जबलपुर में किया जा रहा था। बारीलाल के परिजनों ने बताया कि बारीलाल दवाई खाने के डर से घर से भाग गया था, जिसके बाद आसपास के गांव और रिश्तेदारों में बारीलाल की तलाश की गई, लेकिन जब बारीलाल का कहीं सुराग न लगा तो फिर एक महीने बाद 2017 में नोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके बाद सालों बीतने पर परिजनों ने बारीलाल के मिलने की आशा ही छोड़ दी थी। लेकिन नोटा थाना से परिजनों को बारीलाल की फोटो दिखाकर पहचान बताई गई और कहा गया कि क्या यही बारीलाल है, जिसके बाद परिजनों ने बारीलाल को पहचाना और अपने घर वापस लाने की बात कही, जिसके बाद प्रशासन की मदद से बारीलाल को पुलिस की मदद मिली और वह अपने घर तक पहुंच गया। बारीलाल लगभग 20 महीने से पाकिस्तान में था, ऐसी जानकारी पुलिस ने दी है। जितेंद्र राठौर, खबर एक्सप्रेस न्यूज, नोटा। बारीलाल वाला मामला है, उसको पाकिस्तान के वापस का मिला गया, क्या पूरा मामला? मामला पूरा 2017 का है। बारीलाल आदिवासी, इनके पिता ने, पिता का नाम है सुब्बी आदिवासी, इनके पिता ने 2017 में मार्च में रिपोर्ट की थी कि ये घर से बिना बताए कहीं चला गया है, तो इनकी रिपोर्ट पे थाना पर गुम इंसान कायम किया गया था। फिर दिनांक 21/6/21 को सीमा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एक जानकारी आई थी अपने पास कि ये व्यक्ति अमृतसर लाया गया है शासन प्रशासन की मदद से। तो हमारे यहाँ से स्टाफ, हमने कार्यवाहक प्रधान अधीक्षक आलोक भारद्वाज है, उसको लेने के लिए वहाँ अमृतसर भेजा था, जहाँ पर उसकी दस्तावेज की गई आलोक भारद्वाज के द्वारा। व्यक्ति तो मानसिक रूप से कमज़ोर था, पूछताछ में यही पता चला था कि वो ट्रेन से मैं बैठकर पाकिस्तान पहुंच गया था, जहाँ पे पाकिस्तान जेल में निरुद्ध रहा, फिर पाकिस्तान ने इंडियन गवर्नमेंट को हैंडओवर किया था। और फिर आलोक भारद्वाज ने बताया था कि वहाँ पे पटवारी और तहसीलदार के माध्यम से अपने सुपुर्द किया गया है, तो उसको दस्तयाब कर उसके पिता सुब्बी आदिवासी को सुपुर्द कर दिया गया है।